चुका है, अभी देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। कलर मैंने वाइट ही लिया है क्योंकि डार्क पसंद नहीं है। नहीं लगा क्यों? कब से बैठे अपन? 6:30 से है ना, 6:30 से 8 बज गई, 1.5 घंटे की क्लास थी। और हमारा ये रहा आज का ट्रेड हिस्ट्री पूरा, जिसमें टोटल मैंने $50 का प्रॉफिट किया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मैं लगभग 20 से 22 दिनों के बाद में ट्रेड कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा चीज़ें व्यवस्थित हो जाए, चीज़ें ऐसी हो जाए कि हाँ हाथ बैठ जाए प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं रहा हूँ। अभी $50 से $60 का टारगेट डेली का रख रहे हैं। ये मंडे तक थोड़ा सा एक बार चीज़ें अगर व्यवस्थित हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर मंडे से हम हमारा जो पुराना जो था टू टेक आ जाएंगे। और मैं इसमें कोई ज़्यादा लालच करना भी नहीं है, धीरे धीरे चल रही है। और एक अच्छी बात ये कि जो मेरे साथ में लोग बैठ रहे हैं ये उन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। भाई लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, साथ में बैठने में खतरनाक वाला तो यही चीज है। बाकी तो क्या बोल रहे हो? अच्छा, व्लॉग में जो जो भी आना चाहता है अपना शक्ल दिखा सकता है। अतुल भाई ने तो दिखा दी एकदम चश्मा वश्मा लगा के, स्मार्टी बॉय है। कादिर ने भी दिखा दी, पंकज ने भी दिखा दी है, जय भाई ने भी दिखा दी है। क्या हाल है? सब बढ़िया एकदम। कल रात को तो सेटअप वेटअप जो भी रेडी किया था, उसके बाद में अभी हमारी गाड़ी की हालत थोड़ी सी हो रही ख़राब, तो सोच रहे हैं कि इसको स्नान करवा दिया जाए। स्नान क्या करवाना है, हल्का फुल्का आगे पीछे से थोड़ा सा पानी मारना है और कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं। दो कार्टून सामने आते हुए देख रहे हो, ये शादी करने का नतीजा। अभी तो सारा ले तो लिया है, इसको रखना कैसे उसका थोड़ा सा असमंजस में है। अभी फिलहाल हम उसका प्रबंध करते हैं, क्यों आ जाएगा मेरे हिसाब से। कांच का सामान है, उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। डी मार्ट शॉपिंग टाइम। चलो कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं घर। अरे भैया को दिए हमने 5,000 रुपये वहाँ तक छोड़ने के। घर की फ्री सेवा, घर की फ्री सेवा। चलो बाय तो कर लो। बिल्कुल। क्या ये हमारा चेतक है? ये आपको चेतक है? यार थोड़ी तो होता है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ। देखना नहीं करूँगा इसके साथ। नहीं भी आ रहा है क्यों? अंजू कैसी है यार? बिल्कुल सभी को अच्छा लगता है। ये भेजा है हमारे जगदोल भाई ने, ठीक है, अमृतसर से, पंजाब से। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना नए गिफ्ट की, वो अलग ही होती है। सही बात है। बस वीडियो में दिखा मस्त लग रही है। मस्त लग रही है, बहुत अच्छी। जय श्री महाकाल। वो भी एक लोटा जल के साथ में। तो आज अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया है ना, आखा तीज बोलते हैं, आखा तीज। और हम जा रहे हैं अभी चलते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और आज अक्षय तृतीया है तो कुछ स्पेशल भी करने की सोच रहा हूँ मैं। हाँ भोलेनाथ नंगी पैर जा रहा है यार, लगी ये धूप में पाव जलेंगे भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। हाँ मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। ऐसी गर्मी लग रही ना पैरों में, मन कर रहा है जाके बर्फ में पाऊँ, धो पूरे के पूरे। लेकिन ठीक है,
एक दिन बाबा के लिए इतना नहीं किया। अभी चलते पूजा करते, उसके बाद मैच तीन चार काम है वो करना है, पता चल ही जाएगा आपको तो वीडियो में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है चलो मिलते हैं पूजा करने के बाद में, फिर मंदिर में मिलते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है बाबा की, साथ में बाबा के अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी का भी एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, गर्मी बहुत है, अभी चलता है घर पर और निकलते हैं। अजीत 28 जय शिव शंभु, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो ये हमारी फोजिल की वॉच थी एक, और ये टूट चुकी है बुरी तरीके से। वो एक दिन हमें आया था गुस्सा बहुत हद से ज़्यादा, तो गुस्से में इसको फेंक दिया था। ये ना मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन उस दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे बेचारी के। अभी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट तो होता ही है। ये पूरी ख़राब हो गई है अंदर से, पूरी ऑटोमेटिक थी, तो अंदर के जो भी इसके सिस्टम विस्टम है पता नहीं क्या क्या कौन कौन से है, तो इसके शोरूम जाना पड़ेगा आज, और शोरूम जाके देखते हैं ये ठीक हो पाते नहीं हो पाती है, या फिर इसको रिप्लेस करके अगर दूसरी मिल जाए देखते हैं। अभी कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी घड़ी जब मैंने ली थी। अभी तो पूरी ख़त्म है अंदर से, ठीक है जो भी है चलेंगे सिटाडेल में इसका शोरूम। अब नहीं चलते ना, निकलते हैं यहाँ से, आज दो काम करने हैं। नीचे का पूरा कारपेट का एक वो एक सेट आता है पूरा, वो लगाना है, बाकी तो हमारा ये सेटअप तो बढ़िया हो गया। हमारी सफारी की चाबी, एक फ़ोन को चार्ज होने दो। हाय गर्मी, क्या बात है, टेम्परेचर कितना होगा, शायद 40-42 के आसपास होगा भाई। उल्ला सिम सिम निकलते हैं। बोलो बाबा महाकाल सरकार की जय। तो अभी थोड़ी सी शॉपिंग करी थी आज, अक्षय तृतीया थी तो डीपी ज्वेलर्स है, और अभी निकल रहे हैं। हाकर्स भैया हमारे घर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि वो जा रहे हैं घर, और हमारी गाड़ी की चाबी उनके पास है, तो उनसे गाड़ी की चाबी लेनी है, बस उनको छोड़ने जाना था, मैं जा नहीं पाया। ये सिरबेट लगा के बात करता हूँ आपसे, मैं रुक जाओ। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था, आगर्स भी अगर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी की चाबी उनके पास है, तो उनसे मिलना भी है और गाड़ी की चाबी भी लेनी है। अब इनको करते हैं टाटा बाय बाय, दिखाओ रोड इंदौर की। भाई साहब इंदौर की रोड तो साफ है ना भाई, एक नंबर मस्त वाली। सुन मेरी बात तो सुन ले पहले, रास्ते में कोई खाने को खाना नहीं है ना, खिड़की से गर्दन बाहर नहीं निकालना, ठीक है, और घर बच के फोन लगाना, ठीक है भैया, बच्चे का ध्यान रखना अच्छे से। हाँ है ना, इसको कोई समस्या, इसको कोई समस्या परेशानी हुई मेरे को समस्या हो जाएगी। तीन बच्चे हैं क्या बोला? चलो बाय बाय, मिलते हैं, जय महाकाल। नहीं आ रहा समझ में क्या हो रहा है, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि सेटअप जो इधर उधर जा रहा है हमारा, वो इस वजह से जा रहा है, फ्लोरिंग करवा रहा हूँ मैं, ये कल लेके आया था मैं और रखी हुई जो उधर, ठीक है। बाकी ये तो मैं हूँ, दिख रहा है आपको, ये कपड़े पड़े हुए हैं अंदर, और ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा ना, फिर आपको दिखाऊंगा मैं। ये बाहर के नज़ारे, अभी मैंने पर्दा खोल रखा है क्योंकि वाईफाई का तार वगैरह सब निकाला हुआ है, पूरा एक बार कम्प्लीट हो जाएगा फिर दिखाऊंगा आपको मैं मस्त वाला कि कैसा क्या दिखता है पूरा यहाँ का व्यू। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से कोई वीडियो आया नहीं था, रीज़न ये था कि कामकाज में लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें रेडी करने में लगे हुए थे, ये पूरा जो सेटअप है ये रेडी किया है, अभी क्या क्या चीज़ें हुई है पूरी घर में वो सब दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता चलेगा कि यार मैं क्यों गायब था। गायब तो क्या ही था, मैं दो तीन दिन में वीडियोज़ आ रहे थे, वीडियोज़ भी क्या आ रहे थे, जो 4K में जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें एडिटिंग वगैरह में सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। अभी आज का जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो 50% अप हुआ है, मतलब जो डेली वीडियोज़ आने थे वो हर एक दिन में दो दिन की गैप में आ रहे हैं,
तो उसकी वजह से जो डेली व्लॉगिंग के जो वीडियोस आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक या दो वीडियो और है, उसके बाद में सारी चीज़ें जो भी आप यूट्यूब देख रहे हो, दो वीडियो के बाद में आपको ये वीडियो मिलेगा। तो फिर से जब से आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद से डेली जो रूटीन में हमारी जो चीज़ें थी वापस चालू हो जाएगी। डेली दिन भर में क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेगी। तो यही है, अभी मीटिंग लेते हैं, दिखाते हैं आपको कितने लोग आते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या काम करते हैं, और बाकी तो चीज़ें मैं डिस्क्लोज करूँगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें काम की वो दिखाओ, फालतू की चीज़ें दिखाने से मतलब नहीं होता है। ठीक है, मिलते थोड़ी देर में। ये क्या करूं इसका, मैं कल से चार चीजें उड़ चुकी है, अभी आज एक और ये उड़ गया मैक मिनी, एक स्क्रीन गई वो अलग, वो पीछे का वो टेडन का वो गया वो अलग, ये बूफर गए वो अलग, कल लाया मैंने आया, ठीक है, परसों ये उड़ गए थे, कल ये लाया, आज ये उड़ गए। नागर जी का, नागर जी क्या एप्पल एप्पल की सर्विस से खुश हो आप? हाँ नहीं है ऐसा क्यों सर, मतलब एक एक महीना डिले कर रहे हैं सर, उसके बाद में भी आप खुश हो इनसे? मैनेजर से बात कर लेना, 15 दिन में दे दो ना। अरे 15 दिन भी सर, 15 दिन में 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा, दूसरे खरीदने के लिए पैसे नहीं, अभी 1,20,000 रुपए तुम दे रहे हो क्या सही में? लाओ दो कार्ड मेरे को, मतलब मैं ना क्या बोलूँ, मैंने अभी तक आप लोगों को ठीक से ना ये सेटअप का टूर भी नहीं करवाया, पर रूम भी नहीं दिखाया कुछ भी, और उससे पहले ही मेरे पास जो मैक था जिससे पूरा सिस्टम चलता था वो पावर सप्लाई उसकी उड़ गई। ठीक है, अब पावर सप्लाई तो उड़ी, मतलब एक होता है ना कि किसी बंदे का सारा कुछ काम काज ठप पड़ जाना, तो वो चीज़ इतनी अखड़ती है ना इंसान को मैं बता नहीं सकता हूँ। अब वो क्यों अखड़ती है उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, मेरा पूरा काम काज ऑनलाइन सारा कुछ ठीक है वो मैक से चलता था, अब मैक वाले ये बोल रहे हैं हमारे एप्पल वाले, अभी मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई उसकी आज कि सर एक महीना लगेगा। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जब तक वो नहीं आता तब तक करे तो करे क्या, मतलब मैंने लिटरली बोल रहा हूँ ना, कल रेडिंग करी ना आज रेडिंग करी, उससे पहले हफ्ते मैं मुश्किल से जो भी है प्रॉफिट मैं नहीं रिवील करूँगा कितना क्या हुआ, लेकिन अभी मतलब 2 दिन से कुछ इनकम हुई नहीं मेरी, और मेरी आदत है कि जब मैं घर में खाली बैठता हूँ ना तो मेरा मतलब मन ऐसा करता है किसी को गोली मार दूँ, मैं चिढ़ जाता हूँ भयंकर कि जब चीज़ें काम करने की होती है वो होती नहीं है ना टाइम पे। मतलब एक होता है कि यार आप अपना पूरा ड्रीम सेटअप रेडी कर रहे हो, ठीक है आपने ड्रीम सेटअप अपना रेडी किया, रेडी करने के बाद में सारी चीज़ें ठीक भी हो रही है और आप बैठे हो काम करने, सॉरी हवा की वजह से वो प्रेशर हो जाएगा, आप बैठे हो काम करने के लिए और आपका काम नहीं हो रहा है, मतलब सोच रहे हो कितना भयंकर दिमाग खराब होता है इंसान का। अभी चलता है घर, घर क्या चलता है मार्केट में चलते हैं तो काम और बताता है। माफ़ी चाहूँगा मैं, इसके बाद मैंने कोई शूट किया नहीं था क्योंकि मेरा मूड खराब था, आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि मेरा पूरा सेटअप जो था वो थोड़ा सा किसी कारणवश पूरा ख़राब हो चुका था, तो अभी तक भी वो आया नहीं है, इस वजह से मैंने आगे ही कुछ वीडियो शूट किए नहीं थे। हालांकि अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, और आने वाले टाइम में आपको सारी चीज़ें वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये जो 4-5 दिन का गैप था क्योंकि पूरा एक सेटअप रेडी करना, पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट करना, सारी चीज़ें क्या है यानी, अब जैसे मान लो अभी आप देखोगे तो ये पूरा मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है, ये वीडियो में भी मैं पूरा एडिट कर रहा हूँ मैं, और टाइम हो रहा है सुबह के 5:30, पूरी रात से काम कर रहे हैं, सोया नहीं, अभी सोऊंगा मैं 6 बजे के आसपास। तो लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी यही है, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, कल मिलता है एक नए वीडियो में, और कल से जो आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी नो डाउट मज़ा आएगा, तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।